aspiring entrepreneur with us who is running his own company with the name of Prattley Learning. So let's talk to him and know how he started his journey of entrepreneurship and what are his experiences and learning. So let's talk to him. Assalamu alaikum, Usman sir. जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया. एक्चुअली जी, हम लोग ब्रैकले लर्निंग को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. आई एम द सीईओ ऑफ ब्रैकले लर्निंग. ब्रैकले लर्निंग एक्चुअली जी अमेज़ॉन की जो ट्रेनिंग्स हैं उनको हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर लोगों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. इन दैट ये है कि हम लोगों का जो मेन फोकस वो ये था कि हम पाकिस्तान में लोगों को इनेबल करें कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना ई कॉमर्स बिजनेस विद लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. हम लोगों ने उनको डिफरेंट मॉडल्स पे ज़्यादा फोकस किया, दैट आर द एफबीए मॉडल्स जिसे हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मॉडल्स कहते हैं. तो उस लिहाज से हम लोगों ने पाकिस्तान में काफ़ी पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने सेमिनार्स किए, लोगों में अवेयरनेस आई इस बारे में. अवेयरनेस तो पाकिस्तान में अमेजोन की चैलेंज के हवाले से पहले भी काफ़ी थी, बिकॉज कोविड के बाद हर पर्सन जो है वो ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन राइट डायरेक्शन की ज़रूरत थी कि लोग कमा नहीं पा रहे थे, लोग इन रियल टर्म्स में वो सेल्स नहीं कर पा रहे थे, और वो इन रियल टर्म्स में वो फैंटेसीज में तो थे लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे. तो हमारा मेन फोकस ये था कि हम अपने जो यूथ है उसको इनेबल करें कि वो जो है वो इन रियल टर्म्स वो सेल्स करें, और वो जो है वो अपना बिजनेस जो है वो इवन के विद $100 वो अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करें. If they think or they believe कि this business is for them, then they can continue. और इस model में हम ये भी expect करते हैं कि लोग $1 million तक भी sales कर सकते हैं. Okay, that's very nice. थोड़ा सा इसको आप brief form में explain करेंगे how this actually work. Like I am an educated woman sitting at home and I have some investment as well. How can I start working with Amazon? जी ऐसा है कि अमेजोन पे अमेजोन क्योंकि अब पाकिस्तानी सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो अमेजोन पे अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पज हो सकता है कि आप अपना अमेजोन का एक अकाउंट क्रिएट करें फ्रॉम पाकिस्तान ऑन योर नेशनल आइडेंटिटी, और देन आप जो है वो अमेजोन जो है वो जितनी भी मार्केट्स में अवेलेबल है वो आपको अलाउ करता है कि आप उन मार्केट्स में सेल. मार्केट्स का मतलब कि उन कंट्रीज में लाइक यूएसए में, कनाडा में, मैक्सिको में और यूरोप में जिसमें यूके, जर्मनी, वहाँ पर आप अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें ये होता है कि हम आपको हेल्प आउट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. आप जो है प्रोडक्ट को पहले हंट करते हैं और आप देखते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़न और ये अच्छी सेल्स हो रही हैं. एक्चुअली वी आर द रीसेलर्स ऑन अमेज़न. हम प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को जो रीसेल फ्रेंडली ब्रांड्स हैं, हम उन रीसेल फ्रेंडली ब्रांड्स को हम रीसेल करते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स, और वो हमारे जो कस्टमर्स को लाइक इफ वी आर सेलिंग इन यूएसए वी विल बी सोर्सिंग विद इन फ्रॉम यूएसए, और हम अपने कस्टमर्स को भी ऑर्डर पहुँचा रहे होते हैं. In that case, we have not to buy any stock in advance. Like, हमें कुछ stock advance में नहीं buy करना. हमें सिर्फ एक account अपना Amazon का create करना है. And then we can start business. We can start hunting of the items. हम जब hunt कर लेते हैं items, we will list on Amazon. अगर हमें order आता है, तो हम अपने supplier से source करके उसको अपने customer तक पहुंचा देते हैं. This is actually ये briefly मैं explain करूँ तो ये model. You are saying कि आपको अपनी product को physically shipping करवाना पड़ेगा. आप वहीं से source करके जब आपके पास order आते हैं, तो आप directly customers को ship कर सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, मतलब हम विद इन सेम कंट्री जो है उसको सोर्स करेंगे. हम क्रॉस बॉर्डर नहीं करेंगे, मतलब बॉर्डर क्रॉस एक तो ये है कि उसमें आपको कस्टम क्लियरेंस आ जाती है, दूसरा ये है कि आपको लाइक ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है. तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि अगर हम जो है वो यूके में सेल्स कर रहे हैं तो हम विद इन यूके इसको सोर्स करेंगे, और अगर हम जर्मनी में वर्किंग करें तो विद इन जर्मनी सोर्स करेंगे और कस्टमर्स तक पहुँचा देंगे. तो इस मॉडल में ये होता है कि इजी टू डू मॉडल है ये. फॉर द फर्स्ट स्टेप इट कैन बी योर फर्स्ट स्टेप ऑन अमेज़न कि आप अमेज़न पे सेल्स के लिए इट विल बी योर फर्स्ट स्टेप और आप अमेज़न पे सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग द सर्विसेज टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स आई गेस. सो हम देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग हैं यहाँ पे ट्रेनर्स हैं जो आजकल अमेज़न के ऊपर यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स हैं, इस तरह से आपको कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं. तो आप क्या डिफरेंट किस तरीके से उनको कोई स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं जो डेफिनेटली एक अट्रैक्शन उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन होगी आपके कोर्स की?
जी बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों का मेन जो फोकस है वो हम लोगों का ये है कि हम यूथ को इनेबल करें, खास तौर पर उन लोगों को जो इनेबल नहीं हो पा रहे थे, लाइक दे वांट टू गेट इनेबल्ड बट कुछ ना कुछ लैक कर रहा है कि वो इनेबल नहीं हो रहे, वो एम्पावर नहीं हो रहे कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। उस लिहाज से जो हमारा जो कोर पॉइंट है वो ये है कि हम जो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो मॉडल है वी विल बी सोर्सिंग विद इन फ्रॉम द सेम कंट्री, लाइक इफ वी आर सेलिंग इन जर्मनी वी विल बी सोर्सिंग फ्रॉम जर्मनी। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल पॉइंट इस लिहाज से है कि बाकी जितने भी ट्रेनर्स हैं दे आर टेलिंग यू दैट सोर्स फ्रॉम चाइना एंड सेंड इट टू अमेज़न, सोर्स फ्रॉम चाइना सेंड इट टू अमेज़न। एक्चुअली इट नॉट वर्क इन दैट वे बिकॉज यू आर टारगेटिंग दैट मार्केट और उसमें इन्वेस्टमेंट का फैक्टर भी है कि बाकी में भी ये कहा जाता है कि यू नीड टू गेट इन्वेस्टमेंट ऑफ $50,000 $60,000 एंड देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। हम लोग ये कह रहे हैं कि यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इवन विद $100 अगर आपको बिजनेस बेहतर लगे, इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस, बिकॉज हर बिजनेस हर पर्सन के लिए नहीं होता obviously, शायद उसकी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं कर रहा, शायद वो उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहा, या तो इसलिए इस बिजनेस में यू कैन स्टार्ट विद $100 और ये बिजनेस आप स्टार्ट करें $100 $200 देन गो ऑन विद दैट। और इसमें लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस पे $5 लाख $1 मिलियन तक इस पे जो है वो अमेजोन की जो सेल्स हैं वो उस पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो फ्री कोर्सेज की बात रहेगी तो हम लोग एक्चुअली जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं वी मोर फोकस्ड ऑन फ्री, लाइक हमारे फ्री कोर्स अवेलेबल है जो कि हमने डिजाइन किया है, वो कोर्स लेने के बाद अगर आपको जरूरत है देन यू कैन गो फॉर द पेड ट्रेनिंग, अगर आपको जरूरत नहीं यू डोंट हैव टू गो फॉर द पेड ट्रेनिंग। आप उस फ्री कोर्स में इतना नॉलेज अवेलेबल है जिसे हम बेल कहते हैं, ब्रैकले ई लर्निंग सीरीज, आप उससे लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने हमारे सेमिनार्स हैं दे आर फ्री, मतलब हम जिन जिन सिटीज में पाकिस्तान में जा रहे हैं तो हम कोई भी चार्जेस नहीं दे रहे, हम लोगों को फ्री वहाँ गैदर करते हैं और हमारा पूरे पाकिस्तान में हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं और लोग आते हैं और वो उससे इनेबल हो रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर लेते हैं, ट्रेनर से मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो है उनको हमने शेयर की जाती हैं। इस लिहाज से हमारा मोर फोकस है ऑन फ्री ट्रेनिंग्स फ्री सेमिनार्स ताकि लोग रियल में इनेबल हो सके। जी दैट्स वेरी नाइस। अपनी कंपनी के बारे में बताइए, कितने लोग हैं और कहाँ से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, फिजिकली भी आप लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं? जी हमारा जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और हम लोग लाहौर से ऑपरेट करते हैं, मैं भी लाहौर में ऑफिस में हम लोग बैठते हैं। हमारी जो कंपनी में अप्रोक्सीमेटली हम लोग अबव 20% हमारी कंपनी में है जो कि आपको स्टूडेंट्स को सर्विसेज देते हैं। बाकी हमारी एक इनक्यूबेशन सेंटर जिसे हम ड्रॉपशिप लैब कहते हैं कि उस लैब में लोग आएंगे और अपने जो इनक्यूबेशन में मतलब कोवर्किंग स्पेस में काम करेंगे अंडर द ट्रेनर्स ऑफ ब्रैकले, लाइक ब्रैकले उनके की सुपरविजन में अपना काम करेंगे। वो भी हमारा इसी ऑफिस में अवेलेबल है, उसके साथ हम लोगों की क्लासेस भी होती हैं जो कि इसी लाहौर ऑफिस में हो रही होती हैं और लोग जो आउट ऑफ सिटीज के हैं वो ऑनलाइन थ्रू जूम वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं और जो ऑफलाइन है लाहौर के वो जो हैं फिजिकली आके यहाँ पे जो है वो क्लासेस लेते हैं। हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं जिसे हम बूट कैंप्स कहते हैं और वो भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके कुछ बताइए कि कोई डिफिकल्टीज जो आपको फेस करना पड़ रही हैं अपने बिजनेस मॉडल को लेकर, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में अभी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल उतना है जो आप जिस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं अमेज़न को या प्रमोट कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है? जी डिफ़िकल्टी इसमें जो मेन फेस करनी पड़ रही है वो फिलहाल वो हमारे सामने ये आ रही है कि लोग इसको उस उतना सीरियस नहीं ले रहे कि जितना फिजिकल बिजनेस को सीरियस लिया जाता है। लोग वो किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ऐसे ही चल रहा है कि शायद लोग ये समझते हैं, अच्छा कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही आसान है, लाइक कि आप इसको स्टार्ट करेंगे और यू विल बी द मिलियनेयर, मतलब ये भी मत मार्केट में पाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं हम जो है वो ये बिजनेस
शायद वर्क करे कि ना करे, लाइक जो जो इस डिसीजन में है कि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दे आर मोर प्रेफरिंग टुवर्ड्स कि हम लोग जो हैं वो कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन अवेयरनेस का इशू है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में अवेयरनेस उस लिहाज से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और जो लोग जो हैं वो इसको। लेकिन एक चीज़ और जो जो आई जो हमें जो फेस करनी पड़ी वो मिथ्स हैं, लाइक मार्केट में हम लोग जो लोगों को एक मिथ्स वो सुन लेते हैं कि ये लाइक ई कॉमर्स बिजनेस तो फ्यूचर नहीं है, कभी वो ये कहते हैं, कभी कोई भी ऐसी बात उनके मिथ डाल दी जाती है। उसको क्लियर करने में बड़ा टाइम लगता है, टेक्निकली डिस्कस करने में बड़ा टाइम लगता है कि दीज आर द टेक्निकलिटीज यू नीड टू फोकस्ड ऑन दैट। तो इसमें दो तरह की डिफिकल्टीज हैं, एक तो ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में खास तौर पे, लेकिन मेरे जो मैंने देखा है अभी तक जो छोटे शहर हैं, लाइक जो वाकई कुछ बच्चे काम करना चाह रहे हैं वो ईगर हैं, वो ईगर होके इस पे काम कर रहे हैं, और दे आर मोर सक्सेसफुल देन द पर्सन हु इज मोर एजुकेटेड। लाइक जो लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं वो इतनी सक्सेस मेरी नजर में नहीं ले रहे जितने जो कि जिनकी कम एजुकेशन है और वो छोटे शहरों में है और उनकी जो है वो अर्निंग्स भी ज्यादा है और वो दे आर मोर ईगर बिकॉज दे आर मोर पैशनेट अबाउट इट। तो इसमें मेन पैशनेट और विल चाहिए कि स्किल तो आ जाती है, स्किल्स तो आजकल ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे, लाइक हम ये देख रहे हैं कि यूट्यूब पे, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं, जी स्किल्स तो ले सकते हैं, लेकिन हमें वी शुड बी पैशनेट अबाउट वन फील्ड। इफ वी आर पैशनेट वी आर विलिंग टू डू दैट देन ऑब्वियसली वो जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है व्हाइल लिविंग इन हिज ओन ऑफिस। दूसरी जो मैंने जो एक चीज देखी है कि लोग का जो माइंड सेट है एक्चुअली जो बिजनेस माइंड सेट उस लिहाज से नहीं है जो होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो स्टूडेंट माइंड सेट के आते हैं कि उनका स्टूडेंट्स हैं, अभी वो बिजनेस को इस तरीके से रियल उस आंख से नहीं देख रहे होते। और दूसरा जो है लोग जॉब माइंड सेट से जब ट्रांसफर होते हैं तो वो समझते हैं कि शायद जो एंटरप्रेन्योर है जो सक्सेसफुल एक बिजनेस कर रहा है उसका एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए, उसके अच्छे कपड़े होने चाहिए, उसका अच्छा लैपटॉप अच्छा मोबाइल होना चाहिए, दे मोर इन्वेस्ट ऑन दैट। एंड आफ्टर दैट जो है वो जब बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें अर्निंग उस लिहाज से नहीं कर पाते। तो मेरा मेन ये पॉइंट ये है कि आप अपने घर में बैठ के इवन विद योर कंप्यूटर इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप स्टार्ट विद योर बिजनेस earn first dollar, then your confidence will be boost up. Jab aapka confidence up hoga, obviously you will be earning more than that. Yes, definitely. These are very valuable suggestions. Mera next question bhi yehi tha, balki already aapne address kar diya, aapne advice bhi de di hai young logon ko, kyun passionate hona zaruri hai. Only then they can be successful on their way. Sirf education ka hona ya learning ka hona important nahi hai. Passion and consistency is very important. Thank you so much, Usman sir, for being with us. It was very nice having you with us. ऑडियंस का भी शुक्रिया, हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट एपिसोड को फॉलो करते रहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।